तो दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। और आज हम अपने गांव में हैं और गांव में हमारे आसपास में जो काफ़ी पेड़ पौधे हैं उन्हीं में से कुछ पौधा हमने गन्ने का लगाया था। वो ज़्यादा नहीं है, पर्सनल यूज के लिए थोड़ा सा लगाया था, तो सोचा मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते जाऊँ। तो एक गन्ना जो है अंगेती गन्ना है, एक ख़ास किस्म का गन्ना है जो लखनऊ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया था और वहाँ से स्पेशल गन्ना हमारे पास आया था। तो एक गन्ना देखिए कितना हैवी है, मतलब काफ़ी मोटा है और इसमें ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसमें गन्ने के अंदर जो शुगर केन, जो इंग्लिश नेम है, हिंदी में हम लोग गन्ना ईख, बिहार में का बोलता नहीं गन्ना भी बोलता नहीं इसको, हम बिहार में ईखो बोलता नहीं, केतारी, इसका नाम केतारी बा तो आपको जैसा महसूस होता है वैसा आप समझिएगा। तो ये जो है एक अलग किस्म का भाई गन्ना है और इसका जो है ईख जो है इसके अंदर जो रस है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम गन्ना चीर के दिखाएंगे भविष्य में या दिखा देंगे थोड़े देर बाद। अभी तो ये समझिए कि आप लोग भी गन्ना अपने आसपास घरों में लगा लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये गन्ना जो है आपको छोटा सा जगह में सालों भर आप नेचुरल गन्ना का रस आपको मिल सकता है, जो कि आपका कई प्रकार के जो है वाटर लेवल को बॉडी में या मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकता है, क्योंकि इसके जड़े भी ज़मीन के अंदर बहुत अंदर तक जातवा और फिर जो है सारा मिनरलवा लेके ऊपर आतवा और वो मिनरलवा हम पियत वानी कैसे कैसे पीवा हो तो ऐसे गनवा चिबे के पड़ी तो चिबुआ था जो है मिनरलवा अपने आप अंदर चला जाए। हाँ, समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं आप लोग तो बताइए का इरादा बा गन्ना चिबना है। हाँ, तो समझिए और कुछ कहिए, आप लोग कमेंट करिएगा तो हम रिप्लाई देंगे, अगला बार चिभा भी देंगे अगर बोलिएगा तो, नहीं होगा तो पार्सल कर देवल जाए मत दे, आजकल बहुत व्यवस्था बा, विदेशों से सामान आ जाता नहीं। हाँ, ये तो मगहिया भाषा है, मगह में आइएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, मगह में आइएगा तो मगहिया लोग मिलेंगे, खैनी ठोकते हैं यहाँ खैनी खा के पान, बनारस वाला, बनारस वाला पान तो यहाँ नहीं मिलता है, खैनी जरूर मिलता है, ठोक के ऐसे ऐसे मार कर घोट दी पर बहुत मज़ा आएगा। और गन्ना भी चिबिएगा, खैनी भी मिलेगा और साथ में जानते हैं कहाँ मिलता है, तो गमछा ले आओ, गमछा एगो लाल रहता है, ये रंगदारी बिहार का पहचान, बिहारी का क्या है, हमारा पहचान है रंगदारी, मतलब गमछा वाला, लाल गमछा वाला, तो मुरेठा बांध के एक बिहारी मगी भाषा में ताल ठोके के तो गन्ना चिबुआ की पहले ताल ठोक वही देखो। तो क्या करे, पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, आपको थोड़ा हंसा दिया, मैटर आपको कहीं और ले गया। तो ये देखिए, इतनी दिखावा हो, ये हमार गन्ना है, आई गन्ना जो है बहुत अलग किस्म का है, आप देखिए थोड़ा जूम करके इसको दिखाइए कि कितना हैवी मात्रा में है, इसके अंदर ग्लूकोज ही ग्लूकोज भरा हुआ है, कितना मस्त शुगर केन हुआ है, बिल्कुल नेचुरल है मर्दे, ना कोई खाद ना कोई पानी, अपने आप उपज जाता है, इससे बेहतर और का चाहिए। हाँ, घर में आपको इतना शुद्ध जो है शुगर केन मिल रहा है, तो मार्केट से चीनी खरीद के लाते हैं, देखिए बुरबकई हाँ एकरे खीर बनावल जाएगा तो बनी कैसे मर्दे, इसके लिए बैल कोल्हू चाहिए, बैल कोल्हू समझते हैं, हाँ, केतरिया के पीसे वाला ओकरा जूस निकाले वाला एगो मशीन होता था, बैल कोल्हू नाम बा, समझ गए, वो बैल कोल्हू पहले चलता था, आजकल तो टेक्निकल युग हो गया, मशीन ये फिटरवे से काम हो जाता है। चलिए मजाक मजाक में आपको दिखा दिए, अब बोलिएगा तो पतरका केतरिया चिभा सकते हैं, मोटका बर्बाद हो जाएगा एक आदमी के लिए। हैं, चलिए तो ये देखिए और भी आपको कुछ दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाना इधर, ये देखिए कुछ दिखा रहे हैं, इसके जड़ के पास क्या है,
ये देखिए, कभी बम्बू के पेड़ देखे हैं? बम्बू देखे होंगे, बम्बू के पेड़ में देखिएगा कि कैसे खूंटी बच जाता है, तो कोई तोड़ के ले भागा है, चुपकहों से चोरियों करके ले भागा होगा लिकवान, और उधर जाके गांज पर चीब रहा होगा, आराम से लुका छिपी खेल रहा होगा, हैं। आ गन्ना के डंडा जो है धान के बोझा के अंदर डाल के देख रहा हो कहाँ छुपल है लिकवान, तो ये क्या करता है, देखिए कोनो चुपके से तोड़ लिया है, इसलिए इसका खूंटिए बच गया है, दो चार पीस तो है ही है, आप लोग बोलिएगा तो आपके लायक नहीं बच पाएगा लग रहा है। तो ये है गन्ना का स्पेशल नस्ल और किस्म, हम आपको कुछ अपडेट देना चाहते थे, आप एक बार आओ ध्यान से देख लीजिए, देखिए कितनी अच्छी, इसको पसेरी मोहन भी शायद बोलते हैं इस गन्ने को, हम लोग बिहार के अंदर ये पसेरी मोहन गन्ना है, ये सबसे हैवी प्रजाति का गन्ना होता है, तो आप लोग भी गन्ना चिबिए, और नहीं चिबिएगा तो हम तो ज़रूर चिबेंगे, वो एगो गन्ना लावा हो तोड़ के लावा लावा हे एगो गन्ना लाओ, चिबने में देर नहीं करना है, चलते चलते चिबल भी जाएगा। ये देखिए ये गन्ना चिबने में जो मज़ा है क्या कहल जा सकता है, कितना मीठा है, अरे भैया ये तो एकदम रस चूरा है हाथ में से, देखिए, और ये देखिए ना आपके लिए भिजवा रहे हैं, जाइए पार्सल करवा देंगे, ये देखिए गन्ना, भाई मज़ा आ गया यार, आप लोगों के साथ वीडियो क्या बनाया, इधर गन्ना भी छिप लिया हमने, तो आप लोग भी गन्ना छिपना है तो जल्दी से खेत में पहुंच जाइए, कहीं आसपास के खेत होगा गांव होगा वहां गन्ना मिल जाएगा, ठीक है। तो एक गन्ना कितना मज़ा आया यार, सोचे कि गांव में कुछ हो जाए, हम नहीं जान रहे थे गन्ना भी चिबना पड़ेगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे गन्ना चिबने के लिए टाइम निकालना चाहिए, इतनी अच्छी चीज़ हमारे सामने वाह, हम दुनिया दुनिया घूम के पागल बन रहे हैं। तो दोस्तों कभी आप भी गन्ना ज़रूर चिबें, सिर्फ जो है मिठवे और चीनिया पर भरोसित मत रहिए, कभी कभी अपने आप भी इसका इस्तेमाल करिए, आपके आसपास में कहीं मिल जाएगा, और काफ़ी जो है यहाँ पे जो आजकल हमारा आयु जो है जीवन जो है काफ़ी खाद ग्रसित हो रहा है, तो इन पेड़ों को कोई खाद की ज़्यादा आवश्यकता पड़ता नहीं है, नेचुरल अगर कहीं भी लगा देंगे तो पानी वाला अगर जगह होगा तो हो जाएगा, तो समझ गए नहीं कि समझावे के पड़ी, अरे समझाएंगे हम कि आप हमको समझा दीजिएगा महाराज, एक से एक बहादुर है उमें तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।